तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है, मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजना है। क्या देखेंगे हम? मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजना की कौन कौन सी योजनाएं चलती है। योजना आपको हमेशा याद रखना होती है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो संरक्षण योजना हमने नहीं पढ़ी थी वन, जब हमने पढ़े थे, तो आज हम देखेंगे वन संरक्षण योजना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक एक करके जितनी वन संरक्षण योजना हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ वृक्षारोपण योजना। देखो वृक्षारोपण योजना से थोड़ा वर्ड्स आपको समझ में आ रहा है कि किसी ने वृक्षा का रोपण करना, मतलब कौन सी योजना है ये? वृक्षारोपण योजना कैसे होता है? वन विभाग, कौन कौन इसमें वो वन विभाग एवं सामाजिक वानिकी विभाग। देखो ये दो विभाग का आपको नाम रखना है, कौन कौन से? वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग, ये दो इंपॉर्टेंट विभाग है। ये दोनों मिलकर चलाते हैं कौन सी योजना? वृक्षारोपण योजना। इसके अंदर क्या होता है? इसमें ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लाखों हेक्टेयर में वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है, वृक्षारोपण कार्य करते हैं। क्या है वृक्षारोपण योजना, समझ में आ गया? वन विभाग और कौन कौन सी होती है? वन विभाग और सामाजिक वानिकी जो विभाग होते हैं, ये दोनों मिलकर ये योजना को रन करते हैं, चलाते हैं, और इसमें लाखों हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सामाजिक वानिकी योजना। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है सामाजिक वानिकी योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे पहले हमें ये नोट करके रखना है, सामाजिक वानिकी योजना में जो महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है कि शुरू कब से करी गई थी, तो 1976 से प्रारंभ हुई थी। मतलब ये देखो सबसे पहले ये शुरुआत कैसे 1976 से, इसके बाद अब क्या होता है निजी रोपणियों को बढ़ावा देना, ठीक है, निजी रोपणियों को बढ़ावा देना, कृषकों को उनकी जो खेती रहती है, उनकी भूमि रहती है, वहाँ पर वृक्षारोपण की बढ़ावा देना, उनको वृक्षारोपण के लिए खेती करने के लिए बढ़ावा देना। इसके बाद इसमें क्या होता है, कृषि वानिकी में क्या होता है, मेन कृषि, को बढ़ावा देने हेतु, देखो मेन कृषि को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पर कुछ राशि प्रदान की जाती है, प्रोत्साहन राशि देकर इसको क्या किया जाता है, इसको बढ़ावा दिया जाता है। मतलब उसमें प्रोत्साहन राशि देती है सरकार, उससे क्या होता है, इसको बढ़ावा मिलता है और यहाँ पर मेन कृषि होती है, मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या होता है, कौन कौन सा अपन ने इसमें देखा, सामाजिक वानिकी योजना में क्या क्या देखा, सबसे प्रमुख बातें रखना है कब 1976 में हुआ था, निजी रोपणियों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है ये वाली योजना, ठीक है। साथ में किसके लिए आती है, कृषकों को उनकी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना, ठीक है। उसके बाद कृषि वानिकी और मेन कृषि के लिए क्या देना, प्रोत्साहन राशि देकर उनको बढ़ावा देना, ये आपको दिमाग में रखना कि इसमें सामाजिक वानिकी में। अब हम तीसरी योजना देखेंगे, ये है विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। क्या देखेंगे हम, विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। देखो इसके अंतर्गत क्या करा था, जो आम लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं हमारे यहाँ के, उन आम नागरिकों को जागरूक करना, किसके प्रति जागरूक करना, किसके प्रति, वृक्षारोपण के खिलाफ, वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना आम नागरिकों को, वो कहलाती है विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। यही थी इस योजना के अंतर्गत, सिर्फ यही था, ठीक है। अब चौथी योजना देखते हैं हम, सामुदायिक भूमि पर प्रदर्शन क्षेत्र योजना। इंपॉर्टेंट योजना है प्रदर्शन क्षेत्र, अब इससे क्लियर हो रहा होगा, जब यदि प्रदर्शन क्षेत्र पर, जो प्रदर्शन क्षेत्र के निर्माण में हजारों एकड़ की जो भूमि है उस पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य तय करना, मतलब हजारों एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य तय करना इसी योजना का अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सामुदायिक भूमि पर प्रदर्शन क्षेत्र योजना, आपको इन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन मेन योजनाओं के नाम याद रखना है कि कौन कौन सी योजना किसके अंतर्गत आती है, मतलब ये किसके अंतर्गत है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनसे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि किस योजना के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पाँचवीं योजना। तो पाँचवीं जो है बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार की योजना। क्या देखेंगे, बिगड़े वन, वनों के सुधार की, जो बिगड़ गए हैं उन वनों के क्षेत्रों को कैसे सुधार की योजना, कौन सी है वो, ये वाली योजना है। मतलब ये दो साल से 20 जिलों में बिगड़े वन सुधार वृक्ष सहकारिता माध्यम से शुरू किया गया था। मतलब आपको सिर्फ ये सन दिमाग रखना मेन, तो कौन सी योजना के लिए, 1998 से 1990 तक, मतलब यहाँ से शुरू हुई थी 1998 से 90 से 20 जिलों में बिगड़े वनों का सुधार वृक्ष सहकारिता माध्यम से शुरू किया गया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं छठी योजना, वो है सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। क्या देखेंगे, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। अब इसमें क्या क्या था, धार,
झाबुआ, बैतूल, खरगोन एवं शहडोल। इसमें निगम द्वारा वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया। ये जो थे इसके अंतर्गत क्या क्या किया, इनके जो निगम थे उनके द्वारा वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, सूखा उन्मुख क्षेत्र। ये आपको इनमें याद रखना कहाँ कहाँ पर था, ये झाबुआ धार, झाबुआ, बैतूल, खरगोन एवं शहडोल, ये आपको नाम रखना। ये यहाँ पर कौन सी योजना आई थी, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। अब मैं बात करता हूँ पंचवन योजना की। पंचवन योजना क्या है, पहले तो एक बार अपन समझते हैं क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने, मतलब सरकार ने, भारत सरकार ने क्या करा था, ऐसे जहाँ भी 33% से कम वन है, मतलब जो भी एरिया है उसमें 33% से कम वन है, तो वहाँ पर इस चीज़ को जागरूकता फैलाई थी कि 33% वन होना अनिवार्य होता है किसी भी क्षेत्रफल के अनुसार। जैसे मध्य प्रदेश में 33% वन होना अनिवार्य है, इस प्रकार से किसी भी राज्य में, मतलब से कुल क्षेत्रफल का 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब बात करते हैं पंचवन योजना की। तो पंचवन योजना 33% से कम क्षेत्र वाले जिलों में वृक्षारोपण की योजना, मतलब पंचवन योजना में क्या हुआ था, 33% जो भी कम वाले जिले हैं वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। चलिए तो अब देखते हैं हम लोकवाणिकी योजना कौन सी है, कि महत्वपूर्ण योजना है लोकवाणिकी योजना। इसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो एक डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूमि स्वामियों के निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। मतलब जो निजी स्वामियों की, मतलब जो उनकी निजी जमीन थी वहाँ पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1999 में ये प्रारंभ की गई। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रारंभ की गई तो 1999 में, लोकवाणी की योजना का प्रारंभ की गई 1999 में। क्वेश्चन बनता है कि निजी स्वामियों जो निजी स्वामित्व है उसकी पड़ती जमीनों के अंतर्गत कौन सी योजना आती है, आपको बस ये याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार की है जो निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए, तो वो कौन सी, लोकवाणिकी योजना। फिर क्वेश्चन बनता है लोकवाणिकी योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 1999 में प्रारंभ की गई, ठीक है। ये अपना इतना ध्यान रखना आप लोगों को लोकवाणिकी योजना में। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जो लोकवाणिकी अधिनियम 2001 में पारित किया गया, एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोकवाणिकी अधिनियम कब पारित किया गया, तो लोकवाणिकी अधिनियम कब पारित किया गया, 2001 में पारित किया गया, ठीक है। ये है अपनी लोकवाणिकी योजना। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि 1995 में एक और चीज़ याद रखना है कि 1995 में मध्य प्रदेश वानिकी योजना आई थी, कौन सी आई थी, मध्य प्रदेश वानिकी योजना, ठीक है। तो 1999 में लोकवाणिकी योजना आई और उसके प्रबंधन, मतलब मध्य प्रदेश लोकवाणिकी अधिनियम कब आया था, कब पारित हुआ था, तो 2001 में पारित हुआ था। इतनी चीज़ें अपने को किसमें देखना है, लोकवाणिकी योजना में। चलिए तो अब देखते हैं अपन वनस्पति पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले अपन वनस्पति से दिमाग में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार की योजना है, ठीक है, मतलब वनस्पति से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा महिला एवं बच्चों के औषधीय रोपण के लिए ये लाई गई थी, और ये कटनी जिले में महत्वाकांक्षी वनस्पति पंचवर्षीय योजना के लिए अभी भी काम क्या है, यहाँ पर जारी है, मतलब यहाँ पर अभी भी जारी है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाई गई थी, सबसे पहले आता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, तो वो लाई गई थी वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। तो अब क्या आती है, इको टूरिज्म रोपणी। अब ये इको टूरिज्म रोपणी योजना क्या होती है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टूरिज्म से बात आ रही है, मतलब टूरिज्म क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग टूर के हिसाब से आते हैं, मतलब घूमने आते हैं, देखने आते हैं वहाँ की सुंदरता और ये सब, और दार्शनिक स्थल पर। तो इन जगहों पर क्या किया, वृक्षारोपण को ज़्यादा महत्व दिया गया और वृक्षारोपण किया गया। इससे क्या होता है कि वहाँ का एक तो एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, वहाँ पर सुंदरता बढ़ेगी, इसके कारण क्या होगा, इको टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। तो इको टूरिज्म योजना किसके अंतर्गत लाई गई, जहाँ पर ज़्यादा टूरिज्म है वहाँ पर वृक्षारोपण केंद्र स्थापित किया गया और वृक्षारोपण ज़्यादा ज़्यादा किया गया। तो यही है इको टूरिज्म रोपणी योजना। अब बात करता हूँ मैं दीनदयाल वनांचल सेवा की। देखिए इसको सबसे पहले आपको इसका सबसे पहले याद रखना है कि इसकी शुभारंभ किसने किया था, मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने की थी शिवराज सिंह चौहान ने। अब उसके बाद ये कब चालू हुई, तो 20 अक्टूबर 2016 कब हुई थी स्टार्ट, 20 अक्टूबर 2016। तो दिनांचल वनांचल जो इसमें है, इसमें क्या किया गया, जो वनों में रहने वाले अधिकारी, मतलब जो अधिकारी नियुक्त है वहाँ पर, अधिकारी पदास्थित है, उनको ही मतलब समझाया गया, उनको मतलब बताया गया कि आपको क्या करना है, इनका ज़्यादा ज़्यादा इसको
बढ़ावा देना है वृक्षारोपण को, इसको ध्यान रखना है, वनस्पतियों का संरक्षण करना है। तो इसको किसने स्टार्ट किया था, आपको इसमें से दो चीज़ें याद रखना है ज़्यादातर मुख्यतः। एक तो शिवराज सिंह चौहान ने इसको स्थापित किया था, मतलब इसकी शुरुआत की थी, और कब की थी, 20 अक्टूबर 2016 को, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गई दीनदयाल वनांचल सेवा। अब देखते हैं अपन मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1975 को। ठीक है, आपको ध्यान रखना 24 जुलाई 1975 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब ये जो निगम है, इसने क्या करा, जो निम्न कोटि के वन है, मतलब जो थोड़े कम निम्न कोटि के वन जिसे हम बोल सकते हैं, उन निम्न कोटि के वनों को मतलब उच्च कोटि के वन में परिवर्तित कर देना, यही इस निगम का काम है। अब इस निगम ने क्या करा कि उच्च जो तेज़ी से बढ़ते, जो वन तेज़ी से बढ़ते हैं, जो तेज़ी से विकसित होते हैं, उन वनों को उन वनों के अंदर लाए जहाँ पर वन कम हो रहे हैं, मतलब एरिया कम हो रहा है वनों का, उन जगह पर ला के उन वनों के उत्पादन का मतलब उसको उपजाऊ बना देना उस जगह को, और अच्छे वन को अच्छा वन बना देना, यही करा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने। और कब स्थापित हुई थी, 24 जुलाई 1975 को। एक क्वेश्चन जो मेरे सामने मध्य प्रदेश की जलवायु से है, वो है मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है। तो आपको जो ऑप्शन है वो है A 2 B 4 C 6 या D, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको सही आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि इनमें से कोई नहीं थी आपका आंसर सही है तो उसमें आपको बताना कि कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। यदि इनमें से नहीं है कोई ऑप्शन तो आपको इनमें से कोई नहीं लगाना, मतलब डी ऑप्शन बोलना है, और कितनी ऋतुएं पाई जाती है वो आपको बताना, उनके नाम भी बताना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आई होप आपके डाउट्स सब क्लियर हो चुके होंगे, और हमारे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।